आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम सूरह लुकमान आयत नंबर छः अल्लाह ताला का फरमान है वामिनान नासीम अयश्तरी लहवल हदीस लियदल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म वयत्अखीजा हुजवा उलाइक लहुम अजाबुन मुहीन वो लोग जो लगव चीजों को खरीदते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से रोक दें इल्म के बगैर और उसे मज़ाक पकड़ते हैं उलाक आज़ाब उमोन ऐसे लोगों के लिए कुन आज़ाब है अब ये हदीस, लगभग बातें क्या होती हैं ये सहबा कराम से समझ लेते हैं तफसीर इबन कसैीर से समझ लेते हैं हाफज़ इबन कसीर है। उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत अब इबन मसूद इब्न मसूद रजी अल्लाह तू उन्होंने कहा वामिनन्ना सिमयशतरी लाहदीस ये जो लाहदीस है हो वाह व्ला अल्लाह की कसम वो गना है वो गाने बजाने वाली चीजें हैं और अब्दुल्लाबन मसूद रजी अल्लाह तनो उनके बारे में इधर तफसीरब ने कसर में ही लिखा है कि उन्होंने कहा वल्लाजी अलाद दोहाला समर तीन मरतबा उन्होंने अल्लाह की कसम उठा के कहा कि लहवल हदीस जो है ये लगो बातें इससे मुराद गाना बजाना ही है जिसकी यहाँ पर यह हरमत बयान की जा रही है और जिसकी यहाँ पर यह वईद बयान की जा रही है और वमिन अन्नासी अन्नासिमय यशतरी हदीस कला अलगीना हज़रत अब्दुल्ल अबन मसूद रजी अल्लाह तैनों उन्होंने भी कहा कि इससे मुराद गाना बजाना है व क़ाक अब्न अब्बासिन हज़रत अब्दुल्ल अबन अब्बास रजी अल्लाह त हो उनका भी यही कौल है व जाबरन व इकरमा व सद अबिन जुबैरिन व मुजाहिदिन व मक़हूल व अम्रब्न शुआलन व अलीबन बुजैमदा वालसन अलबसरी और हसनबरी ने कहा कि नज़लत हाज हिल आया तो ये आयत नाजल हुई वामिननासिमय यशतर हदीस ये वाली आयत फ़िल मज़ामीर ये गाने बजाने के बारे में और ये आलात गना जो हैं ये उनके बारे में नाज़ल हुई तो ये साहबा ताबीन इससे वो यही समझे हैं कि लाह हदीस ये गाने बजाने वाली चीज़ें हैं और सही बुखारी की हदीस नंबर पाँच हज़ार पाँच सौ नब्बे नबी करीमलाम ने फरमाया लकौन नमिन उम्मी अकवाल मेरी उम्मत में कुछ कौमें होंगी यश वो हलाल जानेंगे यशाह का मतलब ये है कि हलाल जानेंगे हालांकि वो हराम है हालांकि वो गलत चीज़ें हैं लेकिन लोग समझें कि ये कि ये जायज़ हैं यस का ये मतलब है जिस जिस चीज़ों को वो हलाल जानेंगे अल्लाह के नबीम ने फ़रमाया कि अल अलहरा वो फ़हाशी जना को वो जायज़ समझेंगे वल हरीरा और रेशम को वल खमरा और शराब को वलमाजफा और गाने बजाने की चीज़ों को वलमाजफ ये गाने बजाने का यहाँ पर सही बुखारी की हदीस नंबर पाँच हज़ार पाँच सौ नब्बे इसमें वाज हुक्म आ गया है वाज लफ आ गया है कि लोग इसको भी जायज़ समझने लग जाएंगे और सुन नब्न माजा इसके हदीस नंबर चार हज़ार बीस ये हसन दर्जे की हदीस है हती कि शेख अल्बानी रहमत लाज जगह पर इसे सही गैरही और बाताबों के अंदर सही लिखा है जबकि ए सुनो नबिन माजा के अंदर शेख ज़ुबैर अली जई रहमत ला, ला उन्होंने इस रवायत को हसन कहा है इस्लाम ने फरमाया फरमायाशराबो नासुम मिन उम्मत युसमून बैरसम मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो शराब को पियेंगे लेकिन इसका नाम कुछ और रख लेंगे यो अज़ाफो आला रो से हिम बिलम उनके सरों पर गाने ये बाजे बजाए जाएंगे गोया कि ये गाने बजाने वाली चीज़ें हो जाएंगी वलमगन याद और ये गाने वालियाँ होंगी तो यहाँ पर गाने गाने वालियाँ और बाजे गाजे ये डोल्ड मक्का ये सारी चीज़ों का तस्करा हो रहा है यक सििफ़ल्ला यक सिफुल्लु अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज़मीन में दंसा देंगे व या जामिनहलरा दाता बलखनाज़ीर और अल्लाह ताला इन लोगों को बंदर बना देंगे और खंजीर बना देंगे ये सनबिन माजा की हदीस नंबर चार हज़ार बीस है और अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर तीन हज़ार छः सौ पचासी थ्री सिक्स एट फाइव और यह भी हसन दर्जे की हदीस है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल खमरी वल मैसरी अल्लाह के नबीमाम ने शराब से रोका जुए से रोका वल वलकूब और ढोलक से रोका वल गुबैराए और ये मकई से बनाई जाने वाली शराब से रोका तो इस हदीस के अंदर वलकूब ये जो ढोलक है तो ये ढोल डमक्ा ये गाने बजाने ये सारी की सारी बातें ये इन अदीस से और हदीस उसमें साहबा करम और ताबीन के अकबाल से ये बातें सारी बड़ी वाजे हो रही हैं कि गाने बजाने की हरमत है गाने बजाने की कोई इजाज़त नहीं है वह आलम